नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। यूपी ट्रिपल एससी शो के जग चुका है। देखा जाए तो एक साल होने वाले हैं पीटी 2022 से के, तो अभी तक इसके दो वैकेंसियां हमें देखने को मिला है। एक आपका जो वीडियो नया वाला आपका आया था वो भी पीटी 2022 के स्कोर पर लिया जाएगा, और दूसरी जो वैकेंसी है जो एक स्पेशल वैकेंसी बोल सकते हैं ये है आपकी एक्सरे टेक्नीशियन की वैकेंसी, जिसे कल आपका जारी किया गया है। 8 तारीख को इसका नोटिफिकेशन आया है, और इसकी क्या एलिजिबिलिटी है, क्या कटअप बनेगा, कितने पोस्ट हैं, कौन कौन लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में चलिए हम डिटेल में देखेंगे। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि एक्सरे टेक्नीशियन की, और ये पीटी 2022 के अंतर्गत आई है। ये 8 तारीख से इसका नोटिफिकेशन आया और 15 तारीख से इसका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगा। अंतिम जो है होगा 5 जुलाई है, और संशोधन की अंतिम तिथि जो है वो 12 जुलाई है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आपका बाकी जो मैक्सिमम चीजें आपकी वही है जो रहती है। यहां पर जो बोला गया है आपसे कि एक्सरे टेक्नीशियन मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थी की शॉर्ट लिस्टिंग, उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीटी जो होती है वो 2022 के स्कोर पर आधार पर की जाएगी। इस परीक्षा में प्रतिभाग हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो अर्हता परीक्षा 2022 प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट 2022 में सम्मिलित हुए थे। उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड वैध संख्यात्मक स्कोर के साथ जारी किया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें टोटल जो पोस्ट आए हैं, बोला जा रहा था कि 2000 के अप्रोक्स आएगा, लेकिन 382 पोस्ट इसमें आए हैं। और बाकी सब जनरल आपकी वही है। आप लोग नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लेना, कैसे आपको अप्लाई करना, आवेदन की प्रक्रिया बताया, वेबसाइट पर जाइए और वहां से आप इसे क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, इसके बाद से हम लोग आते हैं। हाँ, इसके बाद अगर हम बात करें यहां पर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के बारे में बात किया, तो वो आपका नया सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं यहां पर कि व्यक्तिगत विवरण के साथ पर्सनल डिटेल आपका जो होना चाहिए। अभ्यर्थी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 का रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म तिथि, लिंग उत्तर प्रदेश के निवासी होने के संबंधित डोमिसाइल होना चाहिए आपका, कैटेगरी संबंधित विवरण होना चाहिए, तो ये सब आपको फॉर्म भरते समय चाहिए। ठीक है, इसके बाद से हम आते हैं यहां पर जो जो आपको चाहिए वहां पर फोटो सिग्नेचर जब आप भरोगे तो ये सब चीजें आपको आएगा, तो वो पूरा डिटेल लिख के भेज दिया है। मेन है आपका क्या कि क्या अहर्ता है इसके लिए, वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ये फीस आपकी लगेगी, 25 रुपए आपकी लगती है, वही फीस है आपका। प्रिंट आउट करके आपको फॉर्म का रख लेना है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हम लोग, ये सब आपका सही होना चाहिए। आपका जो पत्राचार का पता है, पिता और पति का नाम जो है, वर्तनी की गलती नहीं होनी चाहिए, नाम में कोई वर्तनी की गलती ना हो। ठीक, उसके बाद से यहां पर हम बात करें तो पदों के विवरण की यहां पर बात कर लिया जाए, तो देखिए एक्सरे टेक्नीशियन सामान्य चयन आपका, अगर यहां पर वेतन बैंड बोले तो 9300 से लेकर 34800 4200 ग्रेड पे की जॉब है, अच्छी ग्रेड जॉब है ये। 4200 ग्रेड मैट्रिक्स लेवल 6 का है, 153 जनरल का है, अनुसूचित जात 80 पोस्ट है, अनुसूचित जनजात 8 है, अनपिछड़ा वर्ग 103 है, ईडब्ल्यूएस के 38 पोस्ट हैं, 382 एकदम अस्थाई पोस्ट इसके हैं। बाकी आपके यहां पर देखिए ये जो क्षैतिज आरक्षण है उसके अंतर्गत बोला गया है कि स्वतंत्रता सेनानी के लिए है, वो 7 पोस्ट हैं, इसमें 0 है, और उसके बाधिर और स्वर्ण उसके लिए एचएच के लिए हैंडीकैप के लिए 8 पोस्ट है। बाकी यहाँ पे सैन्य भूतपूर्व सैनिकों के लिए 19 है, महिला के लिए 76 है, और खिलाड़ियों हेतु 7 पोस्ट आपका दिया गया है। उसके बाद से हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि कौन कौन भर सकता है, अहर्ता क्या है, जरूरी ये है पॉइंट आपका। उत्तर प्रदेश एक्सरे प्रविधिज्ञ सेवा नियमावली 1986 के नियम 8 के अनुसार सेवा में पदों पर भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा संकाय का एक्सरे में डिप्लोमा या उक्त संकाय द्वारा उसकी समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य अहर्ता होनी चाहिए। मतलब एक्सरे में डिप्लोमा किसके द्वारा होना चाहिए, उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा संकाय के द्वारा आपको मान्यता प्राप्त मिला होना चाहिए, वो चलेगा। या क्या बोला है,
उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अहर्ता जो हो वो आपका चलेगा। एक्सरे डिप्लोमा के समकक्ष कोई भी अहर्ता है तो वो भी आपका चलेगा। उसके बाद से बोला है कि उत्तर प्रदेश एक्सरे प्रविधिज्ञ सेवा नियमावली 1986 के नियम 9 के अनुसार अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा, मतलब वरीयता दिया जाएगा। क्या है? अगर राष्ट्रीय कैडेट कोर के अगर बी प्रमाण पत्र है एनसीसी के तब, या प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष तक अवधि तक आपने सेवा किया है तब आपको कहीं ना कहीं क्या दिया जाएगा, एक प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद से इसका आयु जो है 18 से 40 तक है। ये सब जानते हैं यूपी ट्रिपल एससी में होता ही होता है, तो 18 से 40 तक के बच्चे यहां पर भर सकते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं चयन का जो आधार होगा वो क्या होगा। चलिए, बोला है प्रश्नगत पदों पर चयन उत्तर प्रदेश समूह के पदों के लिए सीधी भर्ती रिक्त प्रक्रिया नियमावली 2015 दिनांक 11 मई 2015 उत्तर प्रदेश शासन क्रामिक अनुभाग 2 के अधिसूचना संख्या ये दिनांक 31 अगस्त 2017 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश अवर स्तरीय पदों पर सीधी भर्ती साक्षात्कार का बंद किया जाना नियमावली 2017 और उत्तर प्रदेश शासन के क्रामिक अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या फला दिनांक 20/11/2020 द्वारा अपनाई गई नवीन आवेदन प्रक्रिया एवं द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली के अनुसार क्या होगा, जिसके अंतर्गत मुख्य परीक्षा के लिए वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं जो आयोग के प्रारंभिक अर्हता। वही बोला गया कि जैसे आपका इंटरव्यू खत्म कर दिया गया तो अब मेन प्री आपका होता है पीटी के थ्रू, और मेंस एग्जाम वो आपका कंडक्ट होगा जो इसके सिलेक्शन होगा उसी के थ्रू आपका सिलेक्शन किया जाएगा। परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम के बारे में क्या बोला है, लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम तथा परीक्षा तिथि के संबंध में यथा समय पृथक से सूचित किया जाएगा। यह आपको बाद में बताया जाएगा जब आपका कट ऑफ आने से कुछ दिन पहले, जब कट ऑफ आएगा उससे कुछ दिन पहले आपका, जैसे अभी जूनियर असिस्टेंट का आया है सिलेबस, वैसे आपके सिलेबस और सब कुछ आ जाएगा। और कुछ 15 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे, यह ध्यान रखिएगा, कितने 15 गुना अभ्यर्थी इसमें आपके मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। बाकी आपका जनरल सा जो इंफॉर्मेशन होता है हर फॉर्म के लिए वही आपका बोला गया है। ईडब्ल्यूएस आपका नया होना चाहिए, यह ध्यान रखिएगा, अंतिम तिथि से पहले का होना चाहिए। जनरल सी चीजें हैं, बाकी आपका फॉर्म आप लोग फिल कर लीजिएगा। जिनका नहीं है उनका प्रमाण पत्र कैसे बनेगा उसका प्रारूप यहां पर दिया गया है, वो आप इसी प्रारूप पे आप अपना प्रमाण पत्र जो भी हो ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी का, जिसका भी हो आप बनवा सकते हैं। तो ओवरऑल ये आप लोग फॉर्म जितने भी लोग पीटी 2022 दे चुके हो, और सबसे बड़ी बात की है स्पेशल वैकेंसी है, इसमें वही भर सकता है जिसके पास एक्सरे में डिप्लोमा हो या उसके समकक्ष कोई आहारता हो। इसमें जिसके पास डिप्लोमा होगा वही भर पाएगा। तो ये कहना कि इसका कट ऑफ क्या होगा, कितने पर इसको बुलाएगा, ये अभी उचित नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट पर डिपेंड करता है। हो सकता है जैसे नर्स वाले में क्या हुआ था, उसमें भी आपके नर्सिंग में क्या हुआ था कि सभी को बुला लिया गया था कि सबके पास वो आहारता नहीं थी। 15 गुना अभ्यर्थी अगर मिले तब ना, और वो भी पीईटी दिया हुआ, ठीक है, तो वो बंदा चाहिए जो एक्सरे में डिप्लोमा हो और पीटी भी दिया हो, तो वो कहीं ना कहीं आपका यहां पर बहुत कम चांसेस हो जाते हैं। तो कट ऑफ इसका चांस है मिनिमम का मिनिमम रहेगा, ठीक है, क्योंकि स्पेशल वैकेंसी में हमेशा कट ऑफ मिनिमम रहता है, 5, 10, 15 नंबर जो भी होगा ये आपका वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ स्टूडेंट पर, ठीक है। अगर 15 ही गुना अभ्यर्थी सिर्फ हुए तो 0 नंबर जाएगी कट ऑफ, ये ध्यान रखिएगा। तो इसकी मेन आहर्ता है वो बच्चे ही सिर्फ इसकी तैयारी कर सकते हैं जिनके पास सिर्फ एक्सरे का डिप्लोमा हो, और जाहिर सी बात है कि क्वेश्चन पेपर भी आपके विषय से ही संबंधित आएगा, क्योंकि ये एक बोला जाए विशेष वैकेंसी कहा जाता है तो है, तो उसी से रिलेटेड आपका सिलेबस भी तैयार किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो लोग इस डिप्लोमा को किए हैं वो अपने सिलेबस को ही, जो आपका डिप्लोमा में सिलेबस होता है एक्सरे का, उसी को रिवाइज करते रहिए। ऑलमोस्ट चांसेस है कि आपका सिलेबस वही रहेगा जैसे आपका नर्सिंग में रहा है, नर्स वालों में रहा है, वैसे यहां पर भी रहेगा। और कोई जानकारी आपको प्राप्त करनी है तो आप इस वीडियो के कमेंट में करिएगा, कोई समस्या कोई दिक्कत है तो जरूर बताइएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके समस्याओं का समाधान किया जाए। तो आप सभी फॉर्म जो भी एलिजिबल हैं, क्राइटेरिया जो दिया गया है, नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लीजिएगा और फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए, इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।